गाइस, होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम अपने रूम को सेटअप करने की सोच रहे हैं। ये सारा कब सेटिंग के लिए हमने निकाला है। मैंने सोचा कि अपनी चूड़ियाँ भी मैं सेट कर लूँ। जो ये येलो वाली चूड़ियाँ है ना, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे पहली बार दिलवाई थी। हम शॉपिंग पे गए थे, हम शादी की शॉपिंग कर रहे थे, तो उस टाइम मेरे हाथ में कुछ नहीं था, तो उन्होंने येलो कलर की मुझे चूड़ियाँ दिलवाई। ये मैंने अपने लेडी संगीत में भी पहन रखी थी, क्योंकि मैं उस दिन उनको बड़ा मिस कर रही थी। हमारी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी लेडी संगीत से पहले, तो फिर हमने मैंने थोड़ा मिस कर रही थी, इसलिए मैंने ये चूड़ियाँ पहनी थी उनसे। इसमें मेरी शादी का चूड़ा है, जो शादी के टाइम मैंने पहन रखा था चूड़ा, उसके बाद मेरा चेंज हो गया था, उसमें मुझे ये वाला नया चूड़ा पहनाया गया था, तो ये मेरी बहुत बड़ी याद है। मैं सोचने लगे हैं कि कबर भी सेट कर दूँ। कुछ तो पार्ट अभी भी नए पड़े हैं जब तक मैंने यूज ही नहीं किए हैं। ये लो टॉफी खाओ, चॉकलेट खाओ। क्या कह रहे हो? हिमांशु जी को ना बताया जाए कि इनमें पैसे थे। मैं तो बताऊंगी। इसको भी रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ये हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है। ये मेरी एंगेजमेंट का है, ये मेरी ननद ने स्पेशली बनवाया था। को बॉक्स में मैंने अपनी सारी बिंदीज रख दी हैं, जैसा देख सकते हैं। और इन्होंने लाल मिर्च वाले और ये किए हैं काली मिर्च वाले। गाइज, हम इतना थक गए थे कि हमें भूख लग गई थी, तो हम खाना खाने के लिए नीचे चले गए थे, और इतनी भूख लग गई थी कि हम शूट करना भूल गए, और उसके बाद हमने मखाने रोस्टेड करे और ये हम ले आए हैं। हाँ जी, कैसा लगा आपको अपना साफ करके? 5 महीने में पहली बार। 5 महीने में नहीं हुई, वैसे साफ किया है मैं। अच्छा, तभी आपके पास जगह नहीं थी। ये भी सेट, ये भी सेट, ये भी सेट, ये भी सेट। 2000 years later। The next day, the next day। आज मेरे बर्थडे कुछ स्पेशल बना रहे हैं, साथ में कुछ भी खा रहे हैं। पनीर कट कर लिया, ये मैंने पनीर काट लिया। प्याज हमने क्या कर लिया? चॉप चॉप कर। मुझे सॉरी, टेक्निकल का उसका वो नहीं पता कि किसे। उसी के साथ में गैस को हम ऑन कर देते हैं। ब्राउन ब्राउन होने लग गया हल्का हल्का, बस थोड़ा सा ब्राउन ही करना है हमें, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक बार रंग चढ़ गया, हो गया आई थिंक सारे पीस ना। ये मैंने इस पर लगा ली ब्राउनी, थोड़ा सा ऑनियन डालेंगे। Oh my God, sorry, स्प्रिंकल करेंगे।
उसके बाद हम यहाँ से लेंगे पनीर के टुकड़े। चलो बेटा मैं मेयोनीज लगा रहा हूँ इस पे, देखो मैं लेके आया। आपने ध्यान रखना कि मेयोनीज जो है ना, सॉरी मेयोनीज नहीं मेयोनीज, अच्छी तरह स्प्रेड हो जाए एंड तक पूरी, नहीं तो ना आपको टेस्ट जो है अनइवन सा आएगा। हम चाहते हैं गुड टेस्ट। तो हमें फैन बंद कर दिया, एसी चला दो हमने। पनीर कम रखें, थोड़ा पनीर और कर दीजिए। टमाटो सॉस है, आटा ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, रोई आटा ब्रेड सेम ही होता है। ओके सभी मैंने दूसरा ही लौट चुके हैं। हाँ जी बदीदे बाबू, कैसा लग रहा है किचन में काम करते हो? मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है किचन में काम करके, पर पेट दर्द होने लग जाती है। आप बचपन की स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? नहीं ऐसी स्टोरी नहीं है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। देख लो बता दो, कोई हमारे व्यूवर्स आपके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ जी कैसा बना है? रिव्यूज लो सर के, तो मेरे को थोड़ा रिव्यू दे कैसा बना। भाई मैं तो कह रहा हूँ अपना, तुम रेस्टोरेंट खोलो सैंडविच का, बहुत बढ़िया बना। इतना खतरनाक रिव्यू नहीं देने को बोला था, थोड़ा जेन्युइन रिव्यू दे ताकि लोगों को लगे कि वाओ हिमांशु कुकिंग करता है। ठीक जब आरबार बोलिए नमक डालो नमक डालो, बट मैंने शायद गार्लिक वाला फ्लेवर आना, बिना नमक के बहुत मस्त है। आई डोंट थिंक कि नमक की जरूरत है, बट रिचा को स्पाइसी समटाइम्स पसंद है समटाइम्स। रिचा ने बोला कि मेरे वाला में चिली फ्लेक्स और ओरिगानो डाल देना, तो मैं उसके ऊपर डालूंगा ओरिगानो, सॉरी चिली फ्लेक्स फर्स्ट। हालांकि चिली खाती है पर पता नहीं कितना फिर मैं अपने वाले में भी डाल ही देता हूँ। ये आ गया ओरिगानो, खा ले। ये वाला जो है ये रिचा का है। चलो फटो उधर रखो इसको तवे पे। रिचा को चक्कर आ गया। बहुत अच्छा होना है, सिंपल सिंपल है। ब्रेकफास्ट में खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसे पराठे खाने से बेटर है ये खा सकते हैं। खाने हम वाले नहीं है पर एडवाइस देने में क्या जा रहा है। ये बस यम्मी क्या कैसा होना जी बनाओ, बुरा तो कह नहीं सकते। बहुत अच्छा। क्या काम खराब हो गया था, सैंडविच खुल गया था। मैंने एक बार भाई मच्छा आ गया, नेक्स्ट टाइम मैं इसके अंदर चीज़ ऐड करूँगा।
मैं तो एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, सिंपल खाना बनाना चाहता हूँ। लॉकडाउन में बहुत कुछ बनाया मैं।